तो फाइनली मेरे को ना एक कलर बहुत पसंद आया था, वो ना BMW एडिशन है, जिसमें तुम्हें अच्छे से रैप दिखा रहा हूँ। अभी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं इस पे। मैंने तुमसे बोला था S1000 RR ना मेरी फेवरेट बाइक है वो। कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई आपने ना उस पे पिलियन बिठा के रखा हुआ था, तो फिर इसीलिए वो आगे निकल रही थी। अभी कहाँ जाना बताओ, आप कहाँ जाना बताओ? घर जाओगे? तो आए क्यों थे यहाँ पे? मैं तुम्हें घर ड्रॉप पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं तुम्हें मिलेगी आज, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे कभी नहीं आना, ठीक है? तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हम अपने छत से कर रहे हैं। बहुत तेज धूप है, लेकिन स्टिल हम आज भी ब्लॉग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई लास्ट वाले ब्लॉग पे ना तुमने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, एंड इवन हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए। अब आपने ये बोला कि भाई आप ना दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो आमिर भाई के साथ, ये चीज सबसे अच्छी लगती है। वो बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन तुम ना मुझे इतने दिल से चाहते हो जितना उनको चाहते हो, इसलिए ना मेरी रिस्पेक्ट तुम सब लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा हो जाती है। दिल से भाई चाहता हूँ तुम सब लोगों को। एंड एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रहा है जिनका नाम है अर्नो कुमार, कहते हैं कि हमें आप दोनों के ब्लॉग से ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो भाई ये चीज अच्छी लगती है कि ना कुछ तो मुझसे सीखने को मिलता है, एंड तुम ना मेरे ब्लॉग्स में नोटिस करते हो। नीचे वाला कमेंट जो है वो प्रीति जी का, प्रीति जी कहते हैं कि आप भी वुल्फ को ना सेम मॉडिफाई कराओ जैसे आमिर भाई ने किया। वो जो केरला वाला डिजाइन है ना, वो बहुत ज्यादा मोड करते हैं अपनी बाइक्स को, तो हम भी वैसा ही करेंगे। प्रीति जी तुम टेंशन मत लो, हमने लास्ट टाइम भी यूट्यूब पे एक पोल डाला था जिसमें ना 11,000 वोट्स आए भाई, उसमें से 91% लोग सारे बोलते हैं कि अपनी वुल्फ को ना रैप कर दो, तो पक्का करेंगे भाई, टेंशन नहीं लो तुम। इन्होंने भी ये प्यारी प्यारी सी कमेंट्स की थी ना भाई, मैंने ना अपनी सारी इंस्टाग्राम पे मेंशन की, आपके नाम मेंशन किए भाई। आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना, जो मेरे ना बिल्कुल दिल के क्लोज है। आज वाले ब्लॉग में ना एक खुशखबरी तुम सब लोगों के साथ शेयर करनी है। यूट्यूब की तरफ से ना सुबह मॉर्निंग में मेरे को मेल आया था, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ना यूट्यूब ने हमें पार्टनर मैनेजर असिस्ट करा हुआ है, तो वो ना अब हमें कॉल वगैरह करेगा मंथली एक बार, एंड बताएगा कि हमारे चैनल की क्या एनालिटिक्स है, अभी जहाँ भी इंप्रूवमेंट मेरे चैनल की होगी तो मुझे खुद से पर्सनली कॉल करके गूगल मीट पे ना मेरे से बात करेंगे। तो मतलब ये सबसे अच्छी चीज लगी कि भाई यूट्यूब ने ना हमारे लिए एक मैनेजर सेलेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं बाइक पे, मैं तुम्हें बाकी बातें सारी शेयर करता हूँ वहाँ पे। ओके, काम शाम किया ना, स्कूल का पढ़ाई चढ़ाई हो रही है, हाँ फिर ठीक है। वहां से निकलते हैं अपनी वुल्फ को लेके, आज इसके लिए ना कोई रैप देखेंगे भाई अच्छा सा, वहाँ पे उस शॉप पे चलेंगे जहाँ भाई ने मॉडिफाई कराई थी बाइक। हेलमेट नहीं है ना तेरे पास, इसलिए अगर चलान हो गया मेरा 1000 रुपीज का कौन भरेगा बताओ? इस सजाद है ना छोटू व्लॉगर ने इसको मेरा घर दिखा दिया, तो चलो अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बैठो बैठो। एक तो भाई ये इन पे चलान होना चाहिए सच में, मतलब देख रहे हो तुम कितने ज्यादा ज्यादा हैंगर से गाये हुए लोहे के इन्होंने। आगे करो भैया क्या बंदा है यार, कितना ज्यादा शार्प है, थोड़ा भाई टच वच हो जाएगा बंदे को ना, इंजरी हो जाएगी इनकी वजह से। उसे चलते हैं हम अपनी वुल्फ को लेकर, एंड देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन होती है इसमें। मैं रैप चेक करना चाहूंगा पहले वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है रैप। आज वाली वीडियो पे कुछ बंदे बोल रहे थे, कहते हैं आपने ड्यूक पे पिलियन बिठाया हुआ था पीछे, तो उसकी वजह से वो आगे निकल रही थी। तो मैंने बोला आज तो तुम खाली हो ना, R15 के साथ कोई कंपटीशन नहीं है यहीं से। तो फाइनली गाइस ड्यूक के साथ रेस लग चुकी है, ड्यूक 250। जैसा कि तुमने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया, कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई आपने ना उस पे पिलियन बिठा के रखा हुआ था, तो फिर इसीलिए वो आगे निकल रही थी। अभी तुम देख रहे हो कैसे एकदम से साथ में चल रही है भाई, ओ मान खतरनाक भाई। अभी ना भाई थोड़ा लीन पे डर गया, क्योंकि भाई लीन ना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्ड जो बाइक होता है ना उसको टर्न करना, एकदम से हैंडल जो है ना पूरा बबल करना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, तो भाई इसीलिए थोड़ा रुक जाता है। तो मर्जी बोलो भाई, किसी भी 400 cc वाली बाइक के साथ भी टक्कर लगा दी थी हमने डोमिनार के साथ। अभी हम राइट साइड से निकलते हैं भाई, मतलब वुल्फ ना किसी को नहीं मानती है, सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, बड़ी खतरनाक तरीके से भागती है। अभी 4 दिन से मैंने इसमें पेट्रोल डाला ही नहीं है, एक भी सेल नहीं है दिख रहा है, लेकिन फिर भी चल रही है। मेरे को ये समझ नहीं आती रिजर्व में है कितना पेट्रोल आ रहा है इसमें भाई, बहुत जबरदस्त भाई। तो यहाँ से हम चलते हैं, इसको फुल पावर लेते हैं मॉडिफाई करवाने के लिए, अगर वहां पे हमें रैप पे पसंद आता है। ओ मान, ओ खतरनाक टेक ओवर कर दिया भाई ने, बाहर निकल जाएगा पक्का, पक्का बाहर निकलेगा। नहीं यार इतना सही लीन मार दिया, बड़ी मुश्किल से हमारी बाइक ना पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ से इसको रिफिल करवाते भाई, बहुत ज्यादा साथ देती है हमेशा यार, मतलब कभी भी बंद नहीं हुई ना, तो इसने कभी मिस किया है रास्ते में। अभी पूरा टैंक खाली हो गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो भाई टैंक ना नीचे तक खाली है। हेलमेट के अंदर से स्कैन पकड़ लिया, यहाँ से 500 पे कर देते हैं भैया को। पहुंच चुके हैं शॉप के बाहर, यहाँ पे रैप वाली जी रही हमारी वुल्फ यहाँ पे बाहर, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ से चलते हैं शॉप के अंदर, ठीक हो? मुझे टैग कर रहे थे, मेरी उम्र लंबी हो जाएगी, तो भाई बोल रहे थे कि हम आपका ही कुछ यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह देख रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दिल में भी ऐसा लग रहा है यार वुल्फ को, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक एक पार्ट खोल के भाई ने ना कस्टमाइज किया हुआ पूरा, ये जो बैटमैन का रैप करा हुआ था ना, ये सबसे अच्छी चीज है।
तो अभी ना यहाँ पे सारे रैप्स लगे हुए जैसे तुम देख रहे हो लाइन के साथ, जो तुम्हें अच्छा लगे। अभी मेरे को ना थोड़ा थीम सेलेक्ट करने में थोड़ा टेंशन है। अभी मैं अपने कजिन को भी बोलूंगा, वो ना इंस्टाग्राम वगैरह पे चेक करेगा, जो केरला की बाइक्स होती है ना वो बहुत अच्छी मॉडिफाई करते हैं, तो वहाँ से हम जो अच्छा सा थीम लगेगा, क्योंकि भाई हमारी वुल्फ ना थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन भाई बोल रहा है ना थीम तुम्हें डिसाइड करना है, डिसाइड खुद से करना पड़ता ना जी, खुद से करना। अगर आप बताते हो हम वो भी कर लेंगे। अच्छा, हमारे लिए करवे जी जी जी, जो चीज़ आप बताओगे, स्पेशली अगर बताते हो कि हमारे लिए तैयार करनी है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे आपको, क्योंकि ये 2-3 दिन का काम नहीं है, इसमें महीना भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि ये भाई एक एक जो पार्ट है ना वो कस्टमाइज करके बनाना। मैं ये सोच रहा हूँ भाई, बोल रहे हैं कि ना तुम खुद से थीम डिसाइड करके आओ घर से, जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना हमारी वुल्फ जो है ऐसे रेड में तो टोटल डिफरेंट लगती है, लेकिन अगर दूसरा रैप अगर भाई करेंगे अच्छा तो फिर यूनिक तो लगनी चाहिए ना। अलग मेरे दिल में है कि मैं कुछ अलग करूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर से हमारे सोशल मीडिया में अभी अच्छे अच्छे बंदे हैं, आप ही उनमें से हो। थैंक यू, अच्छा लगता है आपकी वीडियोज़, मैं खुद देखते रहता हूँ भाई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे से तैयार करूँ। तो फाइनली मेरे को ना एक कलर बहुत पसंद आया था, वो ना BMW एडिशन है, चेक करो। तो मैं तुम्हें अच्छे से रैप दिखा रहा हूँ, तो अभी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं इस पे। अभी जो इसके अलॉयज हैं वो पूरा ब्लैक रखेंगे हम, है ना जी जी, ब्लैक। तो ऊपर जैसे आप बताओगे, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा, मतलब इसको BMW की तरह जो सिग्नेचर कलर है ब्लू वाला, तो एक इसमें रेड कलर भी आता है, लेकिन मेरे को ये बहुत फेवरेट है। तो जैसे मैंने तुमसे बोला था S1000 RR ना मेरी फेवरेट, अभी 2 दिन ब्लॉग पहले मैंने डाला था जिसमें मैंने बोला था मेरी फेवरेट बाइक है वो, तो उसी तरह का रैप हम करेंगे। अभी भाई ने हमारे लिए यहाँ पे मोमोज वगैरह भी मंगाए हैं, तो तुम बोलते हो भाई तुम्हें अगर ये वाला कलर पसंद आता ना हम यही वाला करवाएंगे, कमेंट करके बता देना। हाँ, तो तुम लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ ना तुम सब लोगों को पूछ के करता हूँ, तुम मेरी लॉयल ऑडियंस हो ना, तुम जैसा बोलोगे अगर इस वाले कलर पे ना कमेंट्स मिल जाएंगे भाई हम यही करेंगे, नहीं तो मेरे दिमाग में नियॉन है, नियॉन ज़्यादा हो जाता है आई थिंक, मतलब ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट भी ज़्यादा, थोड़ा बजट भी उसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें वर्क ज़्यादा है, काम ज़्यादा है उसमें। हाँ, बजट का कोई इशू नहीं है, हम वुल्फ चाहते हैं कि बहुत अच्छी बन जाए, बजट की टेंशन नहीं है। अभी भैया को हमने बोला कि वो जो BMW वाला एडिशन वाला रैप था ना मेरे को बहुत पसंद आया, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब दिल पे लग जाती है ना कोई चीज़। तो जैसे मैंने तुम्हें वो रैप दिखाया ना भाई BMW वाला, तो अगर तुम चाहते हो ना हम अपनी वुल्फ में वाला रैप पूरा लगाएं अच्छे से, तो 2000 कमेंट कर दो उस वाले रैप के लिए, तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए तभी मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे नॉर्मली देखो कितनी खुखार लगती है रैप के बिना ही, तो अगर BMW वाला लगा के ना खतरनाक सी फील आएगी, क्योंकि मैंने जैसे S1000 RR मेरा पुराना ड्रीम था जो अपनी सुपर बाइक का, को वुल्फ को उस रैप में देखूंगा मैं। अगर तुमने 2000 कमेंट कर दी ना भाई लोग, तो मुझे पता चल जाएगा वो रैप तुम्हें पसंद है। अगर नहीं आएंगे ना 2000 कमेंट, फिर हम समझ जाएंगे हमारी ऑडियंस नहीं चाहती वो वाला रैप, क्या बोलते हैं। हाँ, अगर आ गए 2000 कमेंट्स भाई इस वाले रैप के लिए जो मैंने तुम्हें अंदर दिखाया उस पे लैपटॉप पे, तो वही कर देंगे, ठीक है भाई। वो देख रहे हो यहाँ पे इसने ड्रॉप किया था घर पे, हुआ कहाँ जाना बताओ, आप कहाँ जाना बताओ, घर जाओगे तो आए क्यों थे यहाँ पे, चलो ठीक है फिर सीधा घर जाओगे ना यहाँ से पक्का। तो यार ये वही छोटा बच्चा है, मेरे को बुरा लग रहा था यार, इसने मेरे को पहले भी बोला कि मेरे को ना वापस ले चलो अपने साथ, लाना पड़ा मेरे को यार ने बिठा के, अभी चप्पल लगा के आया हुआ है भाई, हमने इसको घर ड्रॉप करा था वहाँ उस टाइम, संडे को आते वैसे इसको पूछा, अभी बोल रहा कि मैं ऑटो में आया हूँ यहाँ पे, आज हम इसको घर पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अभी इस टाइम ना कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी इसको। मैं तुम्हें घर ड्रॉप पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं तुम्हें मिलेगी आज, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे कभी नहीं आना, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आसपास में कहीं, तो उसके बाद मैं कभी भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो भाई हमने इसको समझा दिया छोटे, वैसे यार अकेले में राइड नहीं करनी है, मेरा भी एक छोटा भाई है यार, पहले ना मैंने इसको मना किया मैं नहीं तेरे को लूंगा अपने साथ, लेकिन बाद में मेरे को बहुत फील होता क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, तो ना मेरे दिल के बहुत क्लोज है भाई। यहाँ पे ट्रक के पीछे उतर जाओ, ठीक है, आगे ट्रैफिक वाला नाका लगा है ये बाबा है। ठीक है, मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर, एंड जैसे कि तुम सामने देख पा रहे हो एकदम से सनसेट हो रहा है, रेड कलर की जो आईज है ये भी चेंज कर देंगे, इसकी जगह ब्लू लगा देंगे, ठीक है, जब हम वो रैप लगाएंगे BMW वाला। तो तुम कमेंट करके बताना भाई, 2000 कमेंट कर दो, अगर तुम्हें वो रैप पसंद आएगा तो फिर हम पक्का कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।